हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर को किस प्रकार से नंबर लाइन में लिखते हैं और रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार से निकालते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को किस प्रकार से हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए फर्स्ट है -4/3 एंड -8/7। इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, तो जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर दो या फिर उनको एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर दो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो डिनोमिनेटर है इनको सेम कर देते हैं। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, -4/3 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28 एंड 3 7 21 वी गेट द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड मल्टीप्लाई -8/7 by 3/3 -8 into 3 -34 and 7 3 are 34 is the second number. And now we see both the denominator are same. Now we compare the number. -28/21 is smaller than -24/21. Because this is the minus number. If the both are number in the plus, then 28 is big and 24 is small. But the both number is minus, so -24 is big and -28 is small. And now the second, 5/2 and 1/4. इसके अंदर क्या करेंगे? ये तो 4/4 है, तो इसको भी 5/2 है, इसको 4 करने के लिए हम इसको 2 से multiply करेंगे। तो 5/2 multiplied by 2/2, 5 to the 10 एंड 2 to the 4। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। 10/4 इज बिगर देन 1/4। अब इसको काट भी सकते हैं, 5 to the 10 एंड 2 to the 4। तो 5/2 bigger than 1/4। Like it, we solve this number also. तो इस प्रकार से हम दोनों डिनोमिनेटर को सेम करके या फिर एलसीएम लेकर के भी रेशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज -3/5, 7/-10 एंड -5/8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालेंगे। तो पॉजिटिव नंबर से 5 and 8 एंड वी गेट द एलसीएम ऑफ 5 and 8 इज 40। नाउ वी मल्टीप्लाई -3/5 by 8/8। व्हाई वी मल्टीप्लाई -3/5 by 8/8, बिकॉज 40 इज डिवाइडेड बाय 5 8 टाइम। सो वी मल्टीप्लाई -3/5 by 8 एंड वी गेट -24/40। Now we multiply -7/10 by 4/4 and we get -28/40. Now -5/8 by 5/5 and we get -25/40. अब ये तीनों नंबर हमारे पास आ गए हैं, -28/40, -28/40 एंड -25/40। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, -28/40 is smaller than -25/40 and it is smaller than -24/40. And like this number, we take the first number is -7/10 and the second -5/8 and the last is -3/5. इस प्रकार से इसको असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग का मतलब हो गया बिग टू स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखा है इसका सीधा उल्टा कर देंगे, यानी सबसे पहले कौन सी आ जाएगी हमारे पास, -24/40, इसके बाद आ जाएगा -25/40 एंड -28/40। लाइक इट, दिस नंबर -3/5, -5/8 एंड लास्ट -7/10। तो इस प्रकार से आप रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद उनको फॉर्म फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। फॉर्म फॉर्म में चेंज करने के बाद आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए।